हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की बेटा जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर है हमारी 9। कौन सी वर्कशीट कर रहे हैं हम? वर्कशीट नंबर 9, सामाजिक विज्ञान हमारा जो विषय है। क्लास हमारी 7, डेट हमारी 23 अक्टूबर की है। यहाँ पर विद्यार्थी अपने नेम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आज की जो हमारी वर्कशीट आई है उसका क्या टॉपिक है बेटा? दिल्ली के सुल्तान। देखो, पहले भारत कितने देसी रियासतों में बटा हुआ था? 562, जो कि आजादी से पहले भारत 562 देसी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली एक सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, दिल्ली के शासक, राजपूत वंश के, चौहान वंश के, ऐबक वंश, फिर गुलाम वंश, खलजी वंश, ठीक है, ऐसे जो दिल्ली के सुल्तान है उनके बारे में, दिल्ली के जो शासक है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनकी वर्कशीट के बारे में, सॉरी उनके कार्यकाल, कब से कब तक उनका कार्यकाल था। अब उनका कार्यकाल हमें कहाँ से, हम कैसे पता करें कि किस टाइम पर कौन सा शासक था, ये पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिली? ऐसे कौन से सोर्स हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, इतिहास को जान सकते, किसी राजा के बारे में हम जान सकते, क्या क्या सोर्स हैं, कौन से स्रोत हैं जिससे हम इतिहास की घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों, और स्थापत्य भवन निर्माण कलाएं आदि के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं। देखो, जो हमारे म्यूजियम वगैरह में सिक्के रखे होते हैं, प्राचीन काल के अभिलेख है, राजाओं के द्वारा खुदवाए गए, मतलब अभिलेख मिलते हैं, उस पर उस राजा का टाइम लिखा होता है। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास तारीख, तारीख एक वचन मतलब डेट जो होती है, त्वारिक बहुवचन, तारीख को, तारीख का बहुवचन क्या है? त्वारिक, मतलब दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है उनकी जानकारी हमें, उनके इतिहास की जानकारी हमें त्वारिक से मिलती है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गई थी, मतलब उनकी जो है फारसी में लिखी गई थी। त्वारिक के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। इतिहास तारीख और त्वारिक, मतलब इनमें राजाओं की जानकारी लिखी जाती थी। त्वारिक के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। शासकों को अभी त्वारिक डेट नहीं है, त्वारिक लिखी जाती थी राजाओं के बारे में। ओके, त्वारिक में क्या क्या लिखा जाता था और त्वारिक लिखने वाले कौन होते थे? त्वारिक के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि या दरबारी ही होते थे जो राजा के बारे में लिखते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, जो त्वारिक को लिखने वाले होते थे। त्वारिक के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। त्वारिक लिखने वाले कहाँ रहते थे? नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हैं। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब राजा की ना बढ़ चढ़कर वो प्रशंसा करते, राजा की बुराई तो लिखते ही नहीं। अगर वो राजा की बुराई लिखते तो क्या राजा उन्हें इनाम देता? तो राजा से, सुल्तान से इनाम पाने के लिए वो राजा के बारे में, उनके ढेर सारे इनाम पाने के लिए उनके कार्यों के बारे में लिखते। लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज, ठीक है, उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता। देखो, अब हमारी जो आज की वर्कशीट है उसमें दिल्ली के शासकों का टाइम बताया गया। देखो, सबसे पहले जैसे कौन से राजा? तोमर राजा, आरंभिक 12वीं शताब्दी में। ये कौन सी शताब्दी है? 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किन शासकों का राज था? तोमर राजाओं का। अनंगपाल कौन सा राजा? तोमर राजा कौन सा? अनंगपाल। उसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1100 से 1145।
फिर चौहान वंश आ गया 1165 से 1192 तक, पृथ्वीराज चौहान जिसमें त्राइन की लड़ाई हुई, ठीक है, मोहम्मद गोरी के साथ, प्रारंभिक तुर्की शासक, फिर तुर्की साम्राज्य 1206 से 1290 तक। इसमें कौन कौन थे जो तुर्की शासक थे गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया बेगम जो थी, गियासुद्दीन बलबन, इनका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक है। फिर 1290 के बाद कौन सा वंश आया, खलजी वंश आया, इसका टाइम पीरियड क्या 1290 से 1320 तक है। इसमें कौन कौन से राजा हुए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर आया तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड क्या है 1320 से 1414 तक। इसमें कौन कौन से, तुगलक वंश में कौन कौन से राजा, यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर आता है सैयद वंश, कौन सा वंश, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। अब ये राजाओं का कार्यकाल आप यहाँ से देख लेना, जैसे खिजर खान सैयद वंश में, लोधी वंश सैयद वंश में खिजर खान और लोधी वंश में बहलोल लोधी, ये जो थे ये दिल्ली के शासक, दिल्ली के सुल्तान। अब सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी, कौन थे इसके राजा, अनंगपाल, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब इसके बाद कौन आए थे, चौहान आए थे जिन्हें चौहान मान नाम से भी जाना जाता है, ने प्रास्त किया, अजमेर के चौहानों ने किसको प्रास्त किया, तोमर राजा को, अजमेर के चौहानों को। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। अब जैसे इनके राज्य में क्या रहते थे, बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया जैन व्यापारियों ने। यहाँ दिल्ली वाला कही जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, 13वीं शताब्दी के आरंभ में। 13वीं शताब्दी कौन सी है, 13वीं शताब्दी मतलब 1200, ठीक है, जैसे 1205 मान लो तो ये 13वीं शताब्दी मानी जाएगी, जैसे आप कौन सी शताब्दी चल रही है 21वीं। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब हमें आज की जो है कि तारीख के बारे में इतिहास के कौन से स्रोत हैं, ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं हमारे सामने हमारी बातचीत में। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं, कौन कौन से स्रोत अभी बताया था, जैसे मैंने इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य जैसे भवन निर्माण कला के माध्यम से इतिहास के बारे में काफी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और दिल्ली के सुल्तानों की किसने बोला, त्वारिक ने, दिल्ली के सुल्तानों की त्वारिक, त्वारिक का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, त्वारिक के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए, मतलब क्या लिमिटेशन थी, मतलब क्या कमियां थी उसमें। त्वारिक, हम त्वारिक के अध्ययन से पढ़कर किसी राजा के बारे में पता तो लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, राजा का इनाम पाने के लिए ना सच्ची खबरें नहीं लिखते थे, झूठी खबरें लिखते थे, और राजा को ना कैसा समाज स्थापना की सलाह देते थे, राजा को लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की वो सलाह देते थे। इसकी सीमाएं है, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसमें किन किन शासकों का योगदान है, कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी थी, यहाँ पर मैंने आपको रिटर्न में इसके आंसर लिखवाए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मंदिरों में किस राजा के द्वारा बनवाया गया है, कब से कब तक वो राजा था, ऐसी हमें जानकारी मिल जाती है। त्वारिक का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, त्वारिक के अध्ययन से हम घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं, शासकों को की प्रशासन संबंधी सलाह भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब था कि त्वारिक की सीमाएं, थर्ड क्वेश्चन जो था उसका आंसर है ये थर्ड का, त्वारिक के लेखक पक्षपात करते थे, वे अपने सुल्तान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे विचारों को लिखते थे जिससे आम लोग सहमत नहीं होते थे।
जैसे शासकों का जन्म से अधिकार, लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह, ऐसी सलाह देती थी। अब देखो अगला था, ये तो क्या थी, ये त्वरित की सीमाएं थी, ये त्वरित की सीमाएं थी। अगला क्वेश्चन था हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? आंसर फोर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों का योगदान था कुतुब निर्माण के, कुतुब मीनार के निर्माण में, कुतुब मीनार के निर्माण में। ठीक है, अब हमें कुतुब मीनार के बारे में कुछ बातें बतानी है। कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। ये बातें आप, मैंने यहाँ पर लिखी है कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। और भी बातें आप कुतुब मीनार के बारे में लिख सकते हो यहाँ, अगर आपको कुतुब मीनार के बारे में और पता है तो। ये थी जो आज की आपकी SST की 7th क्लास की वर्कशीट आई है। आप यहाँ से वीडियो को पोस्ट करके आंसर इनके लिख सकते हो। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।